इन्फेक्शन इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में जनन। पेनिसिलियम में जनन तीन विधियों द्वारा होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। हम इस लेक्चर के माध्यम से पेनिसिलियम में जनन विधियों का अध्ययन करेंगे। पेनिसिलियम में कायिक जनन सिंपल विखंडन विधि द्वारा, फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा संपन्न होता है। विखंडन विधि में माइसीलियम का अगर कोई भाग किन्हीं कारणोंवश टूट जाए तो टूटा हुआ भाग पुनः नए माइसीलियम का निर्माण करता है। यह एक सिंपल मेथड है और इसके द्वारा माइसीलियम जो है तीव्र गति से जो है अपनी स्प्रेड भी होता है। जनन का दूसरा माध्यम है, दूसरी विधि है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। पेनिसिलियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। आइए इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि पेनिसिलियम का जो माइसीलियम होता है वह वेल डेवलप्ड सुविकसित होता है, ब्रांच्ड शाखित होता है एवं सेप्टेट होता है। पेनिसिलियम की कुछ कोशिकाओं से कोनिडियोफोर कोनिडियम धर का निर्माण होता है। यह कोनिडियम धर जो है कोनिडियोफोर इरेक्ट उद्धर्व होते हैं और पेनिसिलियम के कोनिडियोफोर की विशेषता होती है कि यह कोनिडियोफोर शाखित होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। कोनिडियोफोर शाखित होकर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक शाखा का निर्माण करता है। कोनिडियोफोर डिवाइड होकर सबसे पहले रैमस का निर्माण करता है। रैमस पुनः डिवाइड होकर मैट्यूले का निर्माण करता है। मैट्यूले के शीर्ष पर फ्लेस्क के आकार की स्टेरिक मेटा उपस्थित होती है और यही स्टेरिक मेटा कोनिडिया का निर्माण करती है। इस तरह हमने देखा कि पेनिसिलियम का जो कोनिडियोफोर है यह शाखित है। पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज जैसे पेनिसिलियम स्पाइनुलोसम एवं पेनिसिलियम थोमाई में कोनिडियोफोर्स अनब्रांच्ड होते हैं और इन अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर में जो स्टेरिक मेटा का जो निर्माण होता है यह कोनिडियोफोर के ऊपर ही, शीर्ष पर ही होता है। स्टेरिक मेटा कोनिडिया का निर्माण करते हैं। स्टेरिक मेटा से कोनिडिया का निर्माण कैसे होता है आइए इसे डिटेल में देखते हैं। स्टेरिक कोनिडिया के निर्माण के दौरान जो स्टेरिक मेटा का जो टिप है यह टिप स्वेलप हो जाता है, फूल जाता है और जो स्टेरिक मेटा का जो न्यूक्लियस है यह डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाता है। एक न्यूक्लियस स्टेरिक मेटा में रहता है और दूसरा न्यूक्लियस इस स्वोलन टिप जो है इसमें माइग्रेट कर जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस इसमें माइग्रेट कर जाता है इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है और सेप्टा के फॉर्मेशन के द्वारा यह स्वोलन टिप स्टेरिक मेटा से अलग हो जाता है और यह एक कोनिडिया का निर्माण करता है। कोनिडिया के निर्माण का यह जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यह रिपीट होती रहती है और इस तरह कोनिडिया चेन्स में डेवलप होते हैं स्टेरिक मेटा के टिप पर। कोनिडिया बेसिपिटल चेन में अरेंज रहते हैं। बेसिपिटल मींस जो यंगेस्ट कोनिडिया है यह एकदम बेस पर होता है और ओल्डेस्ट कोनिडिया चेन के एकदम टॉप पे स्थित होता है। यह कोनिडिया जो है एयर के द्वारा और वाटर के द्वारा स्प्रेड हो जाते हैं और स्प्रेड होकर यह उचित सबस्ट्रेटम पर जर्मिनेट होते हैं। कोनिडिया आर राउंडेड, यह राउंडेड होते हैं, अंडाकार होते हैं और इनके चारों यह एक पतली कोशिका भित्ति द्वारा घिरे हुए रहते हैं। प्रत्येक कोनिडिया में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। यह कोनिडिया ग्रीन ब्लू कलर के होते हैं। जब यह उचित सरफेस पर गिरते हैं तो यह जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेशन के समय इनके जो अंदर उपस्थित सिंगल न्यूक्लियस है
यह सिंगल न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण करता है। जब कोनिडिया जर्मिनेट होगा तो जर्म ट्यूब जो है इसकी सेल वॉल को तोड़ के बाहर आती है और यह सारे न्यूक्लियस जर्म ट्यूब में माइग्रेट कर जाते हैं। जर्म ट्यूब ग्रो करती है और कुछ समय पश्चात यह सेप्टेट हो जाती है और सेप्टेट होकर यह नए माइसीलियम का निर्माण करती है। नए माइसीलियम में पुनः कोनिडियोफोर और कोनिडिया का निर्माण होता है। इस तरह यह प्रोसेस रिपीट होता है। कोनिडिया जो है रैपिड स्प्रेड के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। यह अधिक तीव्र गति से स्प्रेड होकर नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की कुछ ही स्पीशीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया गया है। पेनिसिलियम की स्पीशीज वर्मिकुलेटम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बोथ द सेक्स ऑर्गन, दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उपस्थित होते हैं। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसे एंथ्रिडियम कहते हैं एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन को एस्कोगोनियम कहते हैं। जबकि पेनिसिलियम की एक स्पीशीज है ब्रीफेल डीएनएम, इस स्पीशीज में सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। यह जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया गया है पेनिसिलियम की स्पीशीज वर्मिकुलेटम में। आइए देखते हैं, पेनिसिलियम के जो माइसीलियम होता है, इस माइसीलियम के किसी भी कोशिका से एक उद्गम शाखा इरेक्ट ब्रांच अराइज होती है और यह इरेक्ट ब्रांच जिसमें कि सिंगल न्यूक्लियस उपस्थित है, यह बिहेव करती है एज अ फीमेल ब्रांच और यह फीमेल ब्रांच धीरे धीरे डेवलप होकर एक एस्कोगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका निर्माण करती है। जब यह फीमेल ब्रांच जो अभी यंग है, छोटी है, ग्रो करेगी तो इसमें उपस्थित सिंगल न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड करेगा माइटोटिक डिवीजन द्वारा और यह बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण करता है। एस्कोगोनियम भी धीरे धीरे ग्रो करती है और यह बहुत लंबी हो जाती है। मैच्योर एस्कोगोनियम काफ़ी बड़ी साइज की होती है। जैसे जैसे एस्कोगोनियम ग्रो कर रही है, मैच्योर हो रही है, एस्कोगोनियम के पास वाली माइसीलियम की जो शाखा है वह एंथ्रिडियम का निर्माण करती है। एंथ्रिडियम का निर्माण एस्कोगोनियम जो उपस्थित है उसी हाइफल ब्रांच से भी हो सकता है अथवा उसके पास वाली किसी माइसीलियम की किसी भी शाखा से एंथ्रिडियम का निर्माण हो सकता है। एंथ्रिडियम जब डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, यह एस्कोगोनियम के चारों तरफ कॉइल हो जाता है। एस्कोगोनियम के कॉइल होने के पश्चात जो यह एंथ्रिडियम का जो टिप है, यह टिप एस्कोगोनियम की किसी भी कोशिका से संलयन करता है, फ्यूजन करता है और फ्यूजन के पश्चात इनके जो बीच की वॉल है वह डिसॉल्व हो जाती है। इनके दो एंथ्रिडियम और एस्कोगोनियम के बीच में उपस्थित वॉल डिसॉल्व होने के बाद में जो एंथ्रिडियम में जो न्यूक्लियस उपस्थित है यह डीजनरेट हो जाता है। एंथ्रिडियम का न्यूक्लियस एस्कोगोनियम में ट्रांसफर नहीं होता। देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म, सिर्फ एंथ्रिडियम का साइटोप्लाज्म ही ट्रांसफर होता है। एंथ्रिडियम का न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। जैसे ही यह साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होने के पश्चात ये जो एस्कोगोनियम है, इस एस्कोगोनियम की जो सेल्स हैं इन सेल्स में सेगमेंटेशन हो जाता है और प्रत्येक कोशिका में दो न्यूक्लियस डायकैरियोटिक जो है अवस्था स्थापित हो जाती है। प्रत्येक कोशिका में दो न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, इसे डायकैरियोट फेज कहते हैं। यह अवस्था फर्टिलाइजेशन, जिसे हम फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसके पश्चात होती है। ये जो डायकैरियोट फेज है, प्रत्येक इसकी कुछ कोशिकाओं से हाइफी अराइज होती है और इस हाइफी को हम एस्कोजिनस हाइफी कहते हैं। यह एस्कोजिनस हाइफी ही एस्कस मदर सेल का निर्माण करती है। एस्कोजिनस हाइफी की प्रत्येक कोशिका में दो न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं
और एस्कोजिनस हाइफी की जो टिप है, टिप पर जो सेल उपस्थित है, यह सेल एस्कस मदर सेल की भांति व्यवहार करती है। इसमें जो दो न्यूक्लियस उपस्थित है, इन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है और डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। यह डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो एस्कस मदर सेल में उपस्थित है, सबसे पहले मियोटिकली डिवाइड करेगा और मियोटिकली डिवाइड करने के फलस्वरूप चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। यह चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन द्वारा 8 न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस तरह एक एस्कस मदर सेल से एस्कस बनता है और एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। 8 एस्कोस्पोर्स में से 4 एस्कोस्पोर्स एक स्ट्रेन के होते हैं और 4 स्पोर्स दूसरे स्ट्रेन के होते हैं। जब यहाँ एस्कोजिनस हाइफी का निर्माण होता है और एस्कस मदर सेल और एस्कोस्पोर का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी समय इस एस्कोगोनियम के जो आसपास जो हाइफी है, यह हाइफी इस एस्कोगोनियम को घेर लेती हैं। यह स्टिराइल हाइफी होती हैं और यह एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसे हम पेरिडियम कहते हैं, इसका निर्माण करती है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग में एस्कोगोनियम एस्कोजिनस हाइफी जो है घिर जाते हैं और एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्लेस्टोथीशियम कहते हैं। क्लेस्टोथीशियम के अंदर चूंकि एस्कोजिनस हाइफी उपस्थित थी और एस्कोजिनस हाइफी जो है एस्कोस्पोर्स का निर्माण कर रही हैं और एस्कस मदर सेल्स का निर्माण कर रही हैं, तो क्लेस्टोथीशियम में जो है एस्कस और एस्कोस्पोर्स उपस्थित होते हैं। एस्कस को हमने देखा, यह एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कोशनुमा संरचना है। यह एक चारों तरफ पतली भित्ति द्वारा घिरी हुई होती है और इसमें 8 एस्कोस्पोर्स एक एस्कस में उपस्थित होते हैं। जब हम इस फ्रूटिंग बॉडी क्लेस्टोथीशियम का टीएस ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो हमें दिखता है कि इसमें जो है एस्कस बिखरे हुए पाए जाते हैं और यह एक सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग पेरिडियम द्वारा घिरी हुई होती है। जब यह एस्कस मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी भित्ति गल जाती है और एस्कोस्पोर्स इस फ्रूटिंग बॉडी में बिखरे हुए पाए जाते हैं। यह एस्कोस्पोर्स इस फ्रूटिंग बॉडी क्लेस्टोथीशियम की वॉल के डिजेनरेट होने के पश्चात रिलीज हो जाते हैं और जर्मिनेट होके नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो पेनिसिलियम में पाई जाती है, इसका टाइप है क्लेस्टोथीशियम। क्लेस्टोथीशियम टाइप की जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें स्टॉक नहीं पाई जाती, व्रंत नहीं पाया जाता। फ्रूटिंग बॉडी में कहीं कोई पोर ओपनिंग नहीं है, ऑस्टियोल नहीं है और एस्कस और एस्कोस्पोर्स इस फ्रूटिंग बॉडी में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल शेप्ड होती है, इसे हम क्लेस्टोथीशियम कहते हैं। पेनिसिलियम में जो फलन काय पाई जाती है, वह क्लेस्टोथीशियम टाइप की पाई जाती है और यह एस्कोस्पोर्स जो है जर्मिनेट होके नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इस तरह हमने देखा कि पेनिसिलियम में जनन 3 माध्यमों से पाया जाता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। धन्यवाद।